दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट, केवीएस, DSSSB या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50, मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। और अगर आपके कोई प्रश्न गलत हो रहे हैं, कुछ नई जानकारी मिल रही, तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर एक है आपके सामने कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस की सीरीज में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक DVD उदाहरण है। आपने बहुत पहले, आज के अगर 8-10 साल पहले की बात करें, तो DVD CD का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, जब हम चंदा लगा करके और मोहल्ले में पूरा TV वगैरह चलाते थे, वही वाली ये DVD है। ये किसका उदाहरण है? ये हार्ड डिस्क का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, या फिर सॉलिड स्टेज स्टोरेज डिवाइस है। तो एक जो DVD होती है, ये ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दो के लिए। क्वेश्चन नंबर दो है, एक विशिष्ट 32-बिट कंप्यूटर में संख्या होती है, दशमलव में होती है, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, या फिर ऑक्टल में। तो 32-बिट जो है, ये किस प्रकार की संख्या है? ये बाइनरी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तीसरा प्रश्न है, बैंक मित्र कौन होते हैं? बैंक के ग्राहक, बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं, बैंक अकाउंटेंट, या फिर बैंक के सुरक्षा गार्ड। प्रश्न संख्या तीन में आपका क्या उत्तर होगा? बैंक मित्र होते हैं बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है, उसको क्या कहते हैं? ISP, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इस पर रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है, इसको क्या कहेंगे? वेब ब्राउजर, जिसमें आप जो है वेब ब्राउजर में सर्च करते हैं, जो भी आपको खोजना होता है इंटरनेट सर्विस के माध्यम से, उसका आप एक्सेस कर पाते हैं, वो होता है आपका वेब ब्राउजर। प्रश्न संख्या पाँच है, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? UIDAI के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा, बैंक के द्वारा, या फिर नगर निगम के द्वारा। तो आधार कार्ड जो बनाती है संस्था, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा UIDAI के द्वारा। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान, लेकिन जो ये IMPS की सेवा है, ये किसके कंट्रोल में है, किसके द्वारा प्रबंधित है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर सात के लिए। उत्तर होगा यहां पर NPCI। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, या हम ये भी कह सकते हैं इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, जो आपका IFT होता है, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। और एक होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको हम कहते हैं IMPS। क्वेश्चन नंबर आठ है, HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है, इसमें कितने होते हैं? 75, 80, 50, 91। जो इसका स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस होता है HTTP का, वो होता है आपका 80। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, डेटा के 8 बिट को कहते हैं क्लू, थर्बन, कंट्रोल, बी, या फिर 1 बाइट। तो 1 बाइट जो है, ये 8 बिट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10, एक डिस्क का कंटेंट जिससे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, क्या कहलाएगा? कह रहा है डिस्क का कंटेंट है जिसमें क्या किया जा रहा है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, तो इसको क्या कहेंगे? राइट ओनली तो नहीं होगा, मेमोरी ओनली, रीड ओनली, या फिर रन ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर हो जाएगा रीड ओनली, क्योंकि कहा जा रहा है
किसी यूजर के द्वारा इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाएगा रीड ओनली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है, मॉडेम, रिपीटर, राउटर या फिर गेटवे। कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है, इसको कहते हैं रिपीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका फिगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ZIP का अर्थ क्या है, ZIP का अर्थ क्या है। जिप फाइल होती है ये, कंपास, कंप्यूटर फाइल, कंप्रेस्ड फाइल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 12वें प्रश्न में कंप्रेस्ड फाइल, ठीक है। जिप फॉर्मेट जो होता है ये कंप्रेस्ड फाइल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके ईमेल वाले सेक्शन में भी जिप होगा एक। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 13, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द बिग, चीप, फास्ट या फिर टायर्ड। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये फास्ट टाइप की होती है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 11 मार्च, 13 मार्च, 12 मार्च या फिर 10 मार्च। साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, HTTPS में S का अर्थ क्या है। HTTPS में पहले आपको पता होना चाहिए HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर सिक्योर मतलब क्या होगा, सुरक्षित यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है, भारत की सरकार, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर इंडियन बैंक। प्रश्न संख्या 16 की अगर हम बात करें, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी, RBI के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है, हॉर्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ज़्यादा जो डेटा संग्रहित किया सकता है वो हार्ड डिस्क में किया सकता है, इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया किस कंपनी के द्वारा, IBM, एप्पल, कॉम्पैक्ट या फिर HCL। क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर IBM। IBM का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको कहते हैं। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, यहाँ पर हमने गलत टिक कर दिया, फर्स्ट होगा IBM। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, 3.5 इंच फ्लॉपी किस प्कार की डिवाइस है, इनपुट, स्टोरेज सॉफ्टवेयर या फिर आउटपुट। 3.5 इंच है, इसका मतलब ये जो है एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है, मॉडेम, गेटवे, राउटर या फिर नोड। नेटवर्क डिवाइस की बात की जा रही है जो यहाँ पर इंटरनेट होगा, ठीक है, इंटरनेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है, तो इस डिवाइस का नाम होगा राउटर, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है, वाईफाई में इसका प्रयोग होता है राउटर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग, देखिए कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 22, डेस्कटॉप में प्रदर्शित होता है, टास्क बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, उपरोक्त सभी। तो डेस्कटॉप में अगर आप कोई फॉर्मेट खोलते हैं, डेस्कटॉप में आपका टास्क बार भी होता है, स्टेटस बार भी होता है, मेन्यू बार भी होता है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, 110 से 115, 80 से 100, 104 से 140 के बीच में। वैसे अगर मानक स्टैंडर्ड जो है उसमें 104 ही होती हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको लगाना है तो आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 110 से 115 वाली
कीबोर्ड वाले भी अब की वाले भी अब कीबोर्ड आने लगे हैं जिसमें की की संख्या 110 के आसपास होती है। मानक अगर आपसे पूछ ले स्टैंडर्ड तो आप 104 लगाएंगे, बट यहाँ पर 140 दिया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? सूखे स्याही पाउडर का उपयोग होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। जिसमें सूखी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है आपका लेज़र प्रिंटर। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर का ज़्यादा वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें स्याही जो है सूखी भरी जाती, पाउडर वाली, मतलब इसमें लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट या फिर ब्लॉग। तुरंत बातचीत करनी है तो इंस्टेंट मैसेजिंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? रोम, रैम, ईपी रोम, इनमें से कोई नहीं। मेमोरी रीड और राइट, खाली अगर रीड कहता तो आपका उत्तर बदल जाता। कह रहा है रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। रोम और रैम को आपने पढ़ा होगा, 26वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक होता है रोम, एक होता है रैम। इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर डेटा को स्कोर करने एवं गणनाएं करने के लिए डैश नंबर प्रणाली का उपयोग किया जाता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल होगा नहीं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बाइनरी, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इम्प्रेस में की लाइन की शुरुआत करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। इम्प्रेस आपने पढ़ा नहीं होगा, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, गलत यहाँ पर आ गए हैं कुछ क्वेश्चन। ये देखिए, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? मतलब उस डोमेन को आपको पहचानना है जिसको मुख्यतः डोमेन जिसको व्यावसायिक उद्देश्य से प्रयोग किया था। तो डॉट कॉम जो है आपने देखा होगा, www आगे वेबसाइट जो होती है ये व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होती है, rspl.com है ना, हिंदुस्तान लीवर, unilever.com, तो ये व्यावसायिक उद्देश्य से होती है, dabarindia.com। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? सिस्टम अपडेटिंग, फायरवॉल का उपयोग, एंटीवायरस या फिर सभी। तो ये सभी तकनीकी जो है ये अपने कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है, ईमेल, पोस्ट, डिजिटल मैसेज या फिर ई डाटा। तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए, पोस्ट नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटरों को प्रभावित कर सकता है, प्रभावित कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? वायरस, टॉर्पेडो, हुरिकेन, डिजीज, कोई बीमारी तो है नहीं, ये एक वायरस कहलाता है जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ डैश की आवश्यकता है। ईमेल अगर आपको पढ़ना है, कोई आप किसी के द्वारा आपको ईमेल भेजी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? साइन इन करना पड़ेगा अपनी ईमेल और उसका पासवर्ड एंटर करके, तभी आप पढ़ सकते हैं। ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? सीसी, इसमें हम कई लोगों को एक साथ कर लेते हैं, सबको मेल एक साथ चली जाती है, कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। तो 35 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से ट्रस्ट सील का एक उदाहरण नहीं है, ये भी आपके मतलब का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, एनईएफटी की सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37, एनईएफटी की सेवा जो है ये 2005 में प्रारंभ की गई थी। एनईएफटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, एनईएफटी जो है, और एक होता है आपका आरटीजीएस, ठीक है। तो एनईएफटी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे, स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। एनईएफटी की शुरुआत हुई थी कब? 2005 में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, आप लोग सर्च करके बताइएगा कि आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी।
आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? एमबी, टीबी, जीबी, केबी। एमबी मतलब मेगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट। तो दिए गए विकल्पों में जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है यहाँ पर आपका टेराबाइट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आपका लाया जाता है क्या? कीबोर्ड। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या है? केवल डेटा, डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, अल्फा न्यूमेरिक डेटा या फिर प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 40 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है, डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, सूचना का मतलब यही हुआ। न्यूज सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है? NTTP न्यूज या फिर HTTP या फिर FTP। जब बात करी जा रही है न्यूज सर्वर की तो इसका आंसर हो जाएगा NTTP। NTTP का मतलब होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर, जो www वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। वेब रीडर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, इनमें से कोई नहीं। हमें पता है आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हुए होंगे, तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देख डालिएगा ताकि आपका फटाफट से जो प्रश्न आपके गलत हुए दोबारा भी गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका उत्तर हो जाएगा वेब ब्राउजर। भाई आप जब कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं www लिख करके, तो इसके लिए आप किसी वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरनेट ट्रैफिक को अन्य किस नाम से जानते हैं? कन्फेशन, कंसेशन, कंजेशन, कंटैक्टनेशन। क्वेश्चन नंबर 43 में उत्तर हो जाएगा कंजेशन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल पैकेज है? कोरल ड्रा, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इनमें से कोई नहीं। 44 में आपका उत्तर हो जाएगा कोरल ड्रा जो है ये ग्राफिकल पैकेज है, ठीक है, इसमें ग्राफिक्स का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन को क्लिक करेंगे? अब कॉपी करना है तो कौन सी बटन को क्लिक करेंगे? कॉपी बटन को क्लिक करेंगे, इसके लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+C। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? डिलीट करना है तो डिलीट की एक की होती है जो आपकी F12 के बाद होती है, एक की को छोड़ करके। इसके अलावा हम बैक स्पेस के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, बैक स्पेस नाम की एक की होती है। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8-बिट के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47, 8-बिट के समूह को कहा जाता है बाइट, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? वेबसाइट है, ब्राउजर है, ईमेल प्रयोग है या फिर सभी? नेटस्केप नेविगेटर, क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर हो जाएगा, ये एक प्रकार का ब्राउज़र है, ठीक है, जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, फायरफॉक्स होता है, उसी तरीके से ये भी एक ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो लेन देन होता है वाणिज्य से संबंधित वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं? टेलनेट, FTP, HTTP, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, 50वें प्रश्न के लिए, टेलनेट के द्वारा, यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। टेलनेट क्या होता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट प्रदान करता है। टेलनेट का अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। ये 50 क्वेश्चन, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न आपके गलत भी हुए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका स्कोर कितना रहा, और इसका पार्ट टू चाहिए अगर तो कमेंट करिए, ताकि हम 50 क्वेश्चन आपके लिए और शानदार कराएं। इस बार आपके लिए पूरी तैयारी हम करा रहे हैं, लगातार आपको बैक टू बैक वीडियोस दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।